क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। 0 to 2 एक्स इंटू रूट टू माइनस एक्स, इसका इंटीग्रल करना है हमको। तो इसमें प्रॉपर्टी हम लोग लगाएंगे कि 0 to a एफ एक्स डी एक्स बराबर आपका जो होता है 0 to a एफ हाफ ए माइनस एक्स डी एक्स, यानी x की प्लेस पे आप a माइनस एक्स रिप्लेस कर देते हैं इंटीग्रल में। तो दिस इक्वल टू इंटीग्रल हमने क्या माना, आई 0 to 2 एक्स इंटू रूट टू माइनस एक्स डी एक्स। अब x के प्लेस पे हम लोग क्या रखेंगे, 2 माइनस एक्स, ये प्रॉपर्टी लगाने के लिए। तो आई इक्वल टू 0 to 2 ये हो गया हमारा 2 माइनस एक्स रूट टू, इस x की जगह पे भी हम लोग रखेंगे 2 माइनस एक्स डी एक्स। दिस इक्वल टू 0 to 2 2 माइनस एक्स, और ये क्या हो गया 2 माइनस 2 प्लस एक्स डी एक्स, यानी आई इक्वल टू 0 to 2 2 माइनस एक्स, और ये 2 खत्म होके ये क्या हो गया रूट एक्स डी एक्स। अब रूट एक्स से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा हो जाएगा 0 to 2 2 रूट एक्स का मतलब एक्स के पावर 1/2 माइनस एक्स इंटू एक्स के पावर 1/2 डी एक्स। आई इक्वल टू 0 to 2 2 एक्स के पावर 1/2 डी एक्स, इसको अलग कर लिए, माइनस 0 to 2 एक्स के पावर 1 इंटू एक्स के पावर 1/2। तो जब आधार समान होता है तो घात जुड़ जाता है, तो ये क्या हो जाएगा एक्स के पावर 1 प्लस 1/2 डी एक्स। यानी अगर आपका a के पावर m इंटू a के पावर n हो तो ये क्या हो जाता है a के पावर m प्लस n, आधार हमारा समान है a तो गुणा है तो घात जुड़ जाती है। अब सिंपली इंटीग्रेट कर देंगे इसको हम लोग, तो i इक्वल टू 2 तो बाहर हो गया 2 तो हमारा इंटीग्रल साइन से बाहर आ गया, और x के पावर 1/2 का इंटीग्रल x के पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, और इसमें लिमिट हमारा 0 to 2, और x के पावर 3/2 है तो इसका इंटीग्रल x के पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 0 to 2। तो i इक्वल टू 2 तो बाहर ही रहेगा। अब जब x की वैल्यू अपर लिमिट 2 रखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 के पावर 3/2 अपॉन 3/2, माइनस 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो माइनस 0 माइनस x की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा पहला जो टर्म आएगा 2 के पावर 5/2 अपॉन 5/2, और अगला टर्म जब 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। तो इम्प्लाइज i इक्वल टू 2 के पावर 1, ये हमारा 3/2 है तो ऊपर गुणा में जाएगा 2/3, तो 2 के पावर 2 इंटू 2 के पावर 3/2, तो 2 के पावर ये हो जाएगा, चलिए ये हमारा हो गया 2 के पावर 2, ये 2 हमारा ऊपर गया, और 2 के पावर 3/2 का मतलब कि 2 रूट 2 अपान 3, और ये अगला टर्म तो 0 हो जाएगा, और माइनस ये हमारा 2 के पावर 5/2 का मतलब कि 2 के पावर 2 इंटू 2 के पावर 1/2, ये तो हमारा 2 के पावर 5/2 हो गया, 2 के पावर 2 इंटू 2 के पावर 1/2, तो और ये 2 एक गया गुणा में और बटा 5, तो i इक्वल टू ये हमारा हो जाएगा 8√2/3 माइनस ये हो गया, अभी ये भी हमारा हो गया 8√2/5, तो दिस इक्वल टू 8√2/3 माइनस, तो 8√2 कॉमन आ गया, 1/3 माइनस 1/5, तो 5 - 3 यानी 2/15, तो ये हमारा हो जाएगा इंटू 2/15। दिस इक्वल टू ये हमारा हो गया 8 × 16 16√2/15, ये हमारा आंसर हो गया सिंपल सा। क्वेश्चन नंबर आपका आएगा 10। 0 to π/2 2 log sin x माइनस log sin 2x dx।
अब इसका इंटीग्रेट करते हैं आसानी से, ये हम लोग i इक्वल टू सपोज करते हैं i इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2, ये हमारा 2 log साइन x माइनस log साइन 2x का फार्मूला हम लोग लगा देंगे 2 साइन x इंटू कॉस x, और ये ब्रैकेट के अंदर dx। तो ये फार्मूला लिख देते हैं साइन 2x बराबर आपका लगाया 2 साइन x इंटू कॉस x होता है, और log m इंटू n हमारा होता है log m प्लस log n। तो ये दो से ज़्यादा के लिए भी वैलिड है, अगर log आपका है a इंटू b इंटू c इंटू d, तो दिस इक्वल टू आप लिख सकते हैं log a प्लस log b प्लस log c प्लस log d। तो ये हम लोग यहाँ पे लगाएंगे कि log a इंटू b इंटू c है। तो i इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2, तो ये तो हमारा है 2 log साइन x माइनस, अब माइनस ये हमारा हो जाएगा log a इंटू b इंटू c यानी log 2 प्लस log साइन x प्लस log cos x, और ये ब्रेकेट बंद दोनों को dx। तो i इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 2 log साइन x माइनस log 2 माइनस log साइन x माइनस log cos x dx, माइनस से पूरा कर दिया अंदर 0 टू पाई बाई 2 2 log साइन x में से log साइन x खत्म हो गया, तो ये क्या हो गया log साइन x माइनस log cos x माइनस log 2 dx। अब इसमें प्रॉपर्टी हम लोग लगाएंगे कि 0 टू a एफ एक्स डी एक्स बराबर 0 टू a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स, तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाएंगे तो i इक्वल टू हमारा हो जाएगा 0 टू पाई बाई 2 लॉग ऑफ, अब यहाँ पे x की जगह पे पाई बाई 2 माइनस एक्स रखेंगे, ये तो प्रॉपर्टी लगाने के, तो ये लॉग साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स माइनस लॉग कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स माइनस लॉग 2 डी एक्स। तो दिस इक्वल टू आई इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो ये लॉग कॉस एक्स माइनस कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा माइनस लॉग साइन एक्स माइनस लॉग 2 डी एक्स। अब हम लोगों का जो ये आई हमारा आया है log साइन x माइनस log cos x माइनस log 2, इसको समीकरण नंबर एक मान लेते हैं और इसको समीकरण नंबर दो, तो दोनों हमारे आई आई के बराबर हैं, तो दोनों को जोड़ देते हैं, तो बायां पक्ष तो हमारा हो गया आई प्लस आई, और ये हमारा क्या है 0 टू पाई बाई 2 log साइन x माइनस log cos x माइनस log 2, तो log साइन x माइनस log cos x माइनस log 2 प्लस लिमिट सेम है 0 टू पाई बाई 2 इसका भी तो दोनों जुड़ जाएगा, तो log cos x माइनस log sin x माइनस log 2 dx, log sin x प्लस log sin x माइनस log cos x प्लस log cos x माइनस खत्म हो गया, तो ये 2i इक्वल टू हमारे पास क्या बचा 0 टू 2i इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 और माइनस log 2 माइनस log 2 माइनस 2 टाइम्स log 2 dx। अब सिंपल इसमें एक लाइन और बचा हमारा, क्वेश्चन खत्म, यानी 2i इक्वल टू माइनस 2 log 2 तो हमारा कांस्टेंट है, तो ये बाहर ले लेते हैं 0 टू पाई बाई 2 dx, तो 2i इक्वल टू माइनस 2 log 2 और इसका x हो गया और इसमें लिमिट रखेंगे तो पाई बाई 2 माइनस 0, तो i इक्वल टू ये
ये टू इधर जाके टू से ख़त्म हो गया, ये चलिए लिख लेते हैं माइनस टू लॉग टू अपॉन टू ये आया इंटू पाई बाई टू, तो ये टू टू ख़त्म हो गया, तो आई इक्वल टू माइनस पाई बाई टू लॉग टू, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। और अगर आप इसको थोड़ा सा सुधार करके लिखना चाहें तो इसको इसको लिख देंगे पाई बाई टू इंटू माइनस लॉग टू, तो आई इक्वल टू पाई बाई टू माइनस लॉग टू को हम लोग लिख सकते हैं लॉग वन बाई टू, क्योंकि लॉग वन बाई टू को अगर आप लिखेंगे तो ये लॉग वन माइनस लॉग टू होगा और लॉग वन की वैल्यू जीरो होती है, तो जीरो माइनस लॉग टू यानी माइनस लॉग टू, लॉग वन बाई टू माइनस लॉग टू की जगह हमको लॉग वन बाई टू लिख दिए, तो इसका आंसर हो गया पाई बाई टू लॉग वन बाई टू। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 आपका ख़त्म हो गया। 11 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो अगर इसमें प्रॉपर्टी की बात करें तो एक प्रॉपर्टी हमारे पास होती है कि माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू हो जाता है आपका टू टाइम्स जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स, ये कब होता है जब एफ सम फलन है अर्थात एफ हाफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स होता है तब ये होता है, और जीरो होता है जब एफ एक विषम फलन है। तो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू ये लिमिट जा रहा है, तो हम लोग चेक कर लेते हैं पहले साइन स्क्वायर एक्स हमारा सम फलन है कि विषम फलन है, तो एफ एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स ये हमारे पास है, इसको चेक करना है, तो एक्स के प्लेस पे माइनस एक्स रखें, तो एफ हाफ माइनस एक्स हमारा क्या हो गया साइन स्क्वायर माइनस एक्स, तो एफ हाफ माइनस एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर माइनस एक्स का क्या मतलब होता है साइन हाफ माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और साइन माइनस थीटा हो जाता है हमारा माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, तो ये अल्टीमेटली जाके साइन स्क्वायर एक्स हो गया, यानी एफ हाफ माइनस एक्स आपका एफ एक्स के बराबर है, इसका मतलब एफ एक्स आपका एक सम फलन है, एफ एक्स एक सम फलन है, तो सम फलन वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी यहाँ पे, तो माइनस यानी आई इक्वल टू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू टू टाइम्स जीरो टू पाई बाई टू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब साइन स्क्वायर एक्स को रिप्लेस कर देंगे हम लोग, कॉस टू एक्स बराबर वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स, यानी यहाँ से अगर साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालें तो वन माइनस कॉस टू एक्स बाई टू, यानी साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे हम लोग क्या पुट कर देंगे वन माइनस कॉस टू एक्स बाई टू, तो आई इक्वल टू टू टाइम्स जीरो टू पाई बाई टू वन माइनस कॉस टू एक्स बाई टू डी एक्स, तो आई इक्वल टू तो टू तो हमारा बाहर रहेगा, एक इंटीग्रल हमारा हो गया जीरो से पाई बाई टू वन बाई टू डी एक्स, और माइनस ये टू को पूरा बाहर ही रखते हैं, अगला इंटीग्रल हो गया जीरो टू पाई बाई टू कॉस टू एक्स और वन बाई टू को बाहर ले लेते हैं कॉस टू एक्स डी एक्स। आई इक्वल टू ये वन बाई टू बाहर आ गया, तो चलिए टू ये हमारा बाहर ही रखने देते हैं, ये वन बाई टू और एक्स डी एक्स का इंटीग्रल एक्स हो गया, लिमिट रखेंगे तो पाई बाई टू हो गया माइनस जीरो, और ये माइनस वन बाई टू इसका इंटीग्रल हो जाएगा साइन टू एक्स बाई टू कॉस टू एक्स का साइन टू एक्स बाई टू
और जीरो से पाई बाई टू इसमें लिमिट रखेंगे। तो दिस इक्वल टू टू तो हमारा बाहर है, ये हो गया पाई बाई फोर माइनस वन बाई टू इंटू एक्स की वैल्यू जब पाई बाई टू रखेंगे तो साइन पाई हो जाएगा, साइन पाई की वैल्यू जीरो और साइन जीरो की वैल्यू भी जीरो हो जाती है, तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा पाई बाई टू, फाइनल आंसर आपका हो गया पाई बाई टू। 11 नंबर हो गया आपका। 12 नंबर आपका है जीरो टू पाई एक्स डी एक्स अपान वन प्लस साइन एक्स। इसमें वही प्रॉपर्टी हम लोग लगाएंगे कि जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू जीरो टू ए एफ हाफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ये प्रॉपर्टी अगर हम लोग यहाँ पे लगाएं तो I इक्वल टू जीरो टू पाई एक्स डी एक्स अपॉन वन प्लस साइन एक्स, तो x के जगह पे हम लोग यहाँ क्या रखेंगे पाई माइनस एक्स। तो I इक्वल टू जीरो टू पाई, ये हो गया हमारा पाई माइनस एक्स डी एक्स अपॉन वन प्लस साइन पाई माइनस एक्स, और साइन 180 माइनस थीटा हमारा साइन थीटा ही होता है। तो I इक्वल टू जीरो टू पाई पाई माइनस एक्स डी एक्स अपॉन वन प्लस साइन एक्स। तो ये जो हमारा I इक्वल टू दिस है, इसको समीकरण नंबर एक मानते हैं और इसको समीकरण नंबर दो, दोनों को जोड़ते हैं तो I प्लस I लेफ्ट पार्ट हो गया और राइट पार्ट जीरो टू पाई एक्स डी एक्स अपॉन वन प्लस साइन एक्स प्लस पाई माइनस एक्स डी एक्स अपॉन वन प्लस साइन एक्स। तो लिमिट तो सेम है तो जुड़ गया, तो टू आई इक्वल टू जीरो टू पाई, ये हमारा हो गया एक्स प्लस पाई माइनस एक्स डी एक्स अपॉन वन प्लस साइन एक्स। दिस इम्प्लाइज टू आई इक्वल टू जीरो टू पाई एक्स एक्स ख़त्म हो गया पाई अपॉन वन प्लस साइन एक्स डी एक्स। तो 2i इक्वल टू यहाँ से हम लोग पाई बाहर निकाल लेते हैं तो 0 टू पाई 1 अपान 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। अब इसी का इंटीग्रल हमको करना है, ये हमारे पास क्या हो गया कि 2i इक्वल टू पाई टाइम्स 0 टू पाई 1 अपान 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। अब इसका इंटीग्रल करने के देखिए 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर नीचे पूरा कर देते हैं, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। टू आई इक्वल टू पाई टाइम्स 0 टू पाई, ऊपर तो हमारा हो गया 1 माइनस साइन एक्स डी एक्स और नीचे हमारा हो गया 1 प्लस साइन एक्स इंटू वन माइनस साइन एक्स, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू हमारा होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा वन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो टू आई इक्वल टू पाई टाइम्स जीरो टू पाई वन माइनस साइन एक्स डी एक्स, वन माइनस साइन स्क्वायर हो गया तो वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स हमारा कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। टू आई इक्वल टू पाई टाइम्स जीरो टू पाई डिवाइड करें तो वन अपान कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स अलग हो गया माइनस साइन एक्स अपान कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स जीरो टू पाई, ये हमारा अलग हो गया। तो टू आई इक्वल टू पाई टाइम्स पाई तो बाहर है जीरो टू पाई वन अपान कॉस स्क्वायर हमारा हो गया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस जीरो टू पाई साइन अपान कॉस तो टेन हो गया और वन अपान कॉस यानी sec x इंटू टेन एक्स डी एक्स। टू आई इक्वल टू पाई टाइम्स, अब sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल सीधा हमारा होता है टेन एक्स हो गया टेन एक्स जीरो टू पाई माइनस sec x इंटू टेन एक्स का हमारा इंटीग्रल होता है sec x
ये हो जाएगा जीरो टू पाई, तो टू आई इक्वल टू पाई इंटू टेन पाई माइनस टेन जीरो, इसकी वैल्यू हो गई, और इसकी वैल्यू सेक पाई माइनस सेक जीरो, तो आई इक्वल टू ये हमारा पाई बाई टू तो बाहर हो गया टेन पाई। माइनस टेन जीरो, तो टेन पाई की वैल्यू जीरो हो गई, इसकी भी वैल्यू जीरो, ये पूरा जीरो हो गया, और सेक पाई का मतलब वन अपान कॉस पाई, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, देखिए इसकी वैल्यू तो हो गई जीरो माइनस जीरो, इसे लिख लेते हैं, और माइनस सेक पाई की वैल्यू क्या होती है माइनस वन, और सेक जीरो की वैल्यू हो गई वन, तो दिस इम्प्लाइज आई इक्वल टू पाई बाई टू इंटू ये माइनस टू और एक माइनस पहले से लगा है प्लस टू, तो आई इक्वल टू जो इंटीग्रल की वैल्यू आ गई हमारी पाई। तो ये क्वेश्चन आपका ख़त्म होगा 12 नंबर।